यार हम पेट मार्केट के बाहर से गुजर रहे थे, मैंने सुभान को बोला भाई पेट मार्केट के अंदर चलो, बंद है। ओ भाई पेट मार्केट भी बंद है यार। यार हम पेट मार्केट जाने वाले थे, हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, लेकिन आपका भाई फिर भी जाएगा, मुझे एक और रास्ता पता है। सुभान वहाँ से चलो, पता है ना? हाँ मुझे पता है ना बाबा, वहीं से चलते हैं। अब हम ना दूसरे रास्ते से पेट मार्केट के अंदर आ चुके हैं। अभी हम आए फर्स्ट शॉप पर पेट मार्केट के, और यहाँ से कुछ अच्छी अच्छी सी चीजें नजर आ रही हैं यार। ये कॉकटेल है, ये लव बर्ड्स हैं, और ये तो बजरीज हैं यार, सारे बजी। ये सारा कुछ है पड़ा हमारे पास, फिर क्या लेने आए हो? कुछ नयाब चीज ढूंढो ना यार, ये नयाब ही है बजरीज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आपका? तो भाई अभी तक तो मुझे पेट मार्केट से कुछ भी नहीं मिला, अब नेक्स्ट शॉप पे आ गया हूँ मैं, यहाँ देखता हूँ। अकेले अकेले रैबिट, ओहो अंडा दे रही है। अंडा भाई, रैबिट का अंडा देते हैं सुभान, वो देखो तो सही बैठी है ना, ये इस बर्तन में बैठी है, ऐसा लग रहा है जैसे अंडा दे रही हो, लेकिन ये अंडा नहीं दे रही। यार रैबिट से मुझे याद आया, मामू रैबिट की कैरी काम का शुरू करवा चुके होंगे, वो मुझे लगता है साफ भी हो चुकी होगी, बस जल्दी से जल्दी कोई अच्छी सी चीज लेते हैं और वहीं चलते हैं। यार हमारा ना आज कैरी का काम मामू करवा रहे थे, इसी वजह से वो हमारे साथ नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ लेके निकलते हैं फिर उधर। कुछ नया चीज है आप जैसी मोटी 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 बच्चों वाले क्या? वो बड़ा बच्चे का जो कबूतर, यार ये कबूतर कौन से नया है भाई? ये बच्चे के साथ है ना, बच्चा भी साथ है इनका, बच्चा भी साथ है, ये बच्चा भी साथ है। क्या बात है भाई, ये छोटा छोटा बच्चा, मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ, ये देखो इसकी उम्र कितनी होगी? उम्र तकरीबन डेढ़ माह। अच्छा इसका एक पार का कलर और है, और एक का ब्लैक एक का व्हाइट। वो वाले कबूतर तो हमने नहीं लिए, अब मैं ना ये वाले कबूतर देख रहा हूँ, ये हैं बड़े जंगली कबूतर। क्या जब मैं किसी इस तरह की चीज को देखूँ ना केज में बंद हुए, मुझे बड़ा मतलब मेरा दिल कहता है इनको आज़ाद करूँ। ये देखो यार, ये अंडा भी दिया हुआ है किसी ने, इतना बड़ा अंडा सुभान, जंगली कबूतरों का अंडा इतना बड़ा होता है। हाँ उठा चलो मामू को खिलाएंगे। अभी ना हम आगे जा रहे थे और वलीद भाई की ना नजर इस कैट पर पड़ी है। ओए होए यार, ये हमारे पास है पहले, ऐसे लग रहा है इसके मुंह पे ना किसी ने मुक्का मारा, मुंह भी अंदर चला गया, इतनी बड़ी बड़ी ऐसे मूछे है इसकी, मूछे भी है और आईज भी बहुत प्यारी है इसकी। भाई से रख दो, हमारे पास ऑलरेडी चार बेबीज है कैट्स के ना। हाँ चलो आगे चलते हैं, मार्केट में कुछ नहीं मिलना यार। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं मिलना बस चलो। ओ भाई एक चीज ढूंढ लिया मैंने, वैसे तो कुछ नहीं मिला लेकिन जंगली चीज मुझे मिल गई है, वो है बड़ी जो मेरे पीछे देख रहा है ना बुलबुल, वो इधर आ दिखाओ 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 मुझे भी। हाँ सारी बुलबुल फड़क रही थी, मैंने देखा बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, ये कह रही है मैं आजाद करो, मैंने सोचा इनको ले लेते हैं और अपने बिग रूम में या मिनी जू में जाके आजाद कर देंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, आप ले लो बस ले लो। तो भाई यहाँ पे मुझे ना कुछ बुलबुल नजर आई है जो कि फुल जंगली है बड़ी, तो मेरे से इनको देख के रहा नहीं गया, मैंने सोचा क्यों ना इनको ले जाएं अपने बिग जू में या मिनी जू में आजाद कर दें। इसने ना अपने पंजों से मेरी उंगली पकड़ ली है, देखो ओ दर्द भी हो रहा है। भाई तुम्हें आजाद ही करने के लिए ले रहे हैं, इसको सब्र नहीं है, करिए मुझे आजाद करो। कर देंगे खोल, घर जाके कर देंगे तुम्हें आजाद, डाल दो भाई सब डाल दो। हमने यहाँ से ना इतनी सारी बुलबुल ले ली, अब मैं भाई से पूछता हूँ कुछ और जंगली है तो वो भी दे दो। सिर्फ यही जंगली बैठी हुई है, सिर्फ यही है और बाकी केज भी खाली खाली नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं है। अगर कुछ और जंगली होता उसको भी मैं लेके आजाद कर देता। अब हम जाते हैं मिनी जू, वहाँ जो कैरी का काम चल रहा है ना उसको देखते हैं। यार सुबह से हम यही हैं, चलो बस चलो जल्दी से चलो। तो भाई अभी हम मिनी जू आ चुके हैं और चलते हैं। खोलो खोलो। हाँ मामू। ओए वलीद, ओए वलीद, ओए वलीद, क्या हो गया? ओए होए, होए होए, होए होए, यार मामू को क्या हो गया? हाथ लग गया। मैं यार बड़ा खुश हूँ यार वलीद, मुझे नहीं पता क्या है, बड़ा खुश हूँ। ओए होए, ओए होए, ओए होए, बता दो यार क्या हो गया? मुझे नहीं पता ना यार, मुझे नहीं पता यार, खुद जाके देखो। आप शक हो रहा है, कुछ ना कुछ ऊपर हुआ है, ऊपर हुआ है, इसी वजह से मामू ओए होए ओए होए में लगे पड़े ना। देखो तो भाई मामू तो हमें बता नहीं रहे, जल्दी से चलते हैं बुलबुल को ना आजाद करते हैं। आओ तो सही। What a surprise यार। मामू कौन सा सरप्राइज है? आओ तो सही। मैं दोस्तों सबसे पहले ये काम करता हूँ, इन बुलबुल को ना किसी केज में डाल देता हूँ, बहुत ज्यादा ये तंग हो रही है, ये देखो कितनी फंसी लग रही है। सुभान ये काम कर यार जल्दी, इसको ना सुपर केज में छोड़ दे। ठीक है। सॉरी की सॉरी बुलबुल ना हमने सुपर केज में छोड़ दिया, क्योंकि पहले हम मामू का ना सरप्राइज देखना चाहते हैं। ओए क्या हो गया? हाँ पहले उधर तो आओ यार, देखो तो सही यार, हमारे फार्म्स में जितनी भी मिट्टी थी ना सब के सब यहाँ से उठा के हम कैरी में डलवा रहे हैं यार। प्लीज पहले आओ तो सही, व्हाट अ सरप्राइज यार। मामू कौन सा व्हाट अ सरप्राइज है? ये देखो,
क्या होगा यार? पता नहीं, मामू कह रही की तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ चीज होगी। बच्चे निकल आए, रैपिड के बच्चे निकल आए। मामू दो दिन पहले पकड़े हैं, क्या हुआ है? हो रहा है इसी, बच्चे निकल आए हैं, पता नहीं रैपिड ने दे यार। मंजूर भाई कह रहे हैं, आप क्या कर रहे थे? ये खुदाई हो रही थी, बच्चे नीचे से निकल आए हैं। बच्चे किधर हैं? ये नहीं पड़े। ओए सुभान, हाँ यार रैबिट के बच्चे देख, ये तो छोटे छोटे से हैं, हमें तो पहले बड़े बड़े मिले हैं ना। ओ कितने यार मस्त हैं। हटो हटो सारे, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ यार। आप बस बस काम रोक दो, अभी काम रोक दो। कैसे मिले आपको? नीचे से निकल आए हैं, टप्पा मारा है। अच्छा, नीचे से निकल आए हैं, ये देखो इसे। यार शुक्र है आपने मारा नहीं है, कई से काम हो रहा था। अगर ये ज्यादा कई मारते सारे के सारे मार जाते। ये कितने हैं? गिने भी हैं? पांच हैं। चलो यार थैंक गॉड बच्चों को कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कैरी की सारी खुदाई हो रही थी, इसमें मिट्टी आ रही थी, बाकी कैरी अच्छे से साफ हो गई। आप बाहर आओ, हम देख लेंगे। अब मैं अंदर जाता हूँ और इनको देखता हूँ। मामू यही सर आपसे यार, यही तो कह रहा था यार, बोली भाग क्या भाग क्या, यही निकल आया यार। यार इतने खूबसूरत है ना, पता नहीं कैरी के अंदर रैबिट आए कब है, हमें तो ये भी नहीं पता। अब हम गिन भी लेते हैं कितने हैं। देख यार सुभान, हाँ यार वो जो गुम हुए थे ना रैबिट, मुझे लगता है वही यहीं बच्चे दे रहे हैं। नहीं, हमने चार या पांच रैबिट तो परसों ही निकाले हैं इसी कैरी में से, क्योंकि ये बनवा रहे हैं ना। अब और भी सरप्राइज आया हुआ है। ये वाली हमने नहीं निकाली थी। हाँ ये नहीं पकड़ी थी, ये भी इनके साथ थी भाई। इनके साथ थे रही है। तीन व्हाइट है और एक ब्लैक व्हाइट है और एक फुल व्हाइट है। यहाँ से उठा लेते हैं क्योंकि कैरी तो बन रही है। ठीक है मामू, मैं कहता हूँ इनके लिए छोटा सा फीटर लेके आते हैं, इनको दूध पिलाते हैं वलीद। नहीं यार ये फीटर फूटर में दूध नहीं पीते होते, इनकी माँ इनको फीड कराएगी जो ये बैठी है। मैं कह रहा हूँ गाय लेके आते हैं इनके पास से। गाय गाय वो पिलाती रहेगी। नहीं यार, अरे बच्चे ना उठा लिए यहाँ से, क्योंकि ये रैबिट की कैरी ना अभी टूट जाएगी, तो आप इसे कहाँ रखना है? यार इसको ना किसी केज में रखते हैं ताकि ये बच जाए। हाँ तो ये मर जाएंगे क्योंकि कैरी तो टूट जाएगी। पहले भी दोस्तों हमारे पास बच्चे आए थे ना, रैबिट को पकड़ के फीड करानी पड़ती है, इसको लिटा के फिर चलो चलो पकड़ो पकड़ो मामू। तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ रैबिट के बच्चों को फीड करवाता होता, आपने करवाई है पहले? हाँ एक दफा करवाई थी, लेकिन वो भी मर गए थे यार। आप करवाओ ना। अब मैं ना कोशिश करूंगी। देखो मामू आप ना पीने लग जाना। अच्छा देख है, हाँ। है ना, ओहो छोड़ दिया मैंने। सारों को पिलाना है भाई, हमने सारों को, इनको तकरीबन एक दिन में तीन टाइम फीड करानी पड़ेगी। मामू और ढूंढो और ढूंढो। मैंने ढूंढ लिया उसको, दूध वाली जगह ढूंढ लिया। ये देखो ये देखो ये देखो पी रहे हैं, पी रहे हैं। ये वालो ये इधर देखो। रुक रुक रुको, ये देखो इनको ऐसे करो ना खुद पीने लग जाते हैं मामू। सारे के सारे अपनी माँ का दूध पीने लग गए हैं, इनकी आंखें भी नहीं खुली फिर भी अगले देख रहे हैं मामू। इसलिए तो मुंह से खुद लगा रहे हैं ना हम। हाँ मामू आपने यहाँ से तीन टाइम फीड करानी है। हाँ मैं चार टाइम करा दूंगा यार, बच्चे हैं ना छोटे छोटे, ताकि जल्दी बड़े हो जाए। मैं कहता हूँ भीग जू चलते हैं, अंकल माली आया खड़ा हुआ है, फोन कर रहा मुझे। हाँ कैरी का काम तो अभी यहीं रोक रहे हैं, कल से स्टार्ट करेंगे। बिग जू जाते हैं, वहाँ घास भी आज लगना था। अब देखो ये खुद फीड करवा रही है। अब खुद, हाँ देखो हिल भी नहीं रही। वाओ क्या बात है यार माशाल्लाह कितने हाँ। प्यारे लग रहे हैं यार, है कितने छोटे छोटे से। हमने कोशिश ये करनी है इनमें से एक भी ना मरे, फुल कोशिश करेंगे और इनको समझो रोज फीड कराया करेंगे, इन सबको बचाएंगे। थोड़े दिन की बात है, फिर जितने भी रैबिट्स के बच्चे आएंगे ना ये खुद ही बड़े हो जाएंगे कैरी में, जब हमारी कैरी मस्त बन जाएगी। अभी फिलहाल थोड़ा सा इनको ना सबर करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए बहुत प्यारा घर बनाऊंगा रैबिट्स, फिर तुम आराम से बच्चे दे देना। भाई को भी हमने छुट्टी दे दी, कल सुबह सवेरे आ जाना, सुबह 8 बजे आ जाना। 8 बजे हाँ, कल से काम स्टार्ट कर देंगे, अच्छी सी कैरी बनाएंगे। हम बिग जू आए हैं और माली भाई भी आ गए। आइए आपका इंतजार था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अंकल आ गए, अंकल आ गए यार, काफी दिन हो गए भाई। माली भाई हमें घेड़ा करा रहे थे, घेड़ा मतलब कह रहे थे आ जाते हैं कल आते हैं, फाइनली आज आ गए और अपने साथ इतना सारा घास भी ले आए हैं। आज लगा दोगे ना घास? इंशाल्लाह। क्या बात है, आज तो चलो ये भी सही हो गया है। हाँ। आज ये सारा इंशाल्लाह ये भी लग जाएगा, काम शुरू करते हैं वली। अब बिग जू में घास भी लग जाएगा, बड़ा मस्त लगेगा बिग जू फिर ना। माली भाई ने आते साथ घास लगाना स्टार्ट कर दिया, ये देखो ये सारा इस पहले प्लॉट में लगेगा, फिर उस वाले प्लॉट में लगेगा जहाँ दिल भर खड़ा, उसके बाद फिर इधर लगेगा, फिर हमारा बिग जू हरा भरा हो जाएगा। घास लगाने की ट्रिक देखी है, थोड़ी सी यहाँ से नीचे से उठाते हैं और फिर अंदर डाल देते हैं घास, बस ये लग गया, बस लग गया। अच्छा फिर ये बड़ा कब हो जाएगा? 15 दिनों बाद। 15 दिनों बाद भाई, 15 दिन गुजरते टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा बड़ा।
कैसे जुबान? हाँ फिर तो हरा भरा हो जाएगा, फिर पौधे लगाएंगे और केज बनेंगे सारे के सारे। अभी पहले रैबिट हाउस हम बना ले, उसके बाद बिग जू का काम स्टार्ट करना है। दिलबर को हमने ना साइड पे बांध दिया है और इसका मुंह देखो ऐसे लगता है जैसे लिपस्टिक लगा रखी हो। इसने ना इधर नीचे मुंह मारा है पानी के अंदर। दिलबर तूने लिपस्टिक लगाई है? इसको इसी वजह से बांधा है ताकि ये वो घास ना खा जाए जो माली भाई उधर लगा रहे है ना। भाई रात हो चुकी है, मतलब बिल्कुल अंधेरा। माली भाई अभी भी काम कर रहे हैं, रात को भी कह रहे हैं आज मैं इस पूरे प्लॉट में ना घास लगा के जाऊंगा, क्योंकि हमें भी बहुत जल्दी है, हमने यहाँ एनिमल्स शिफ्ट करने, सिर्फ घास की वजह से एनिमल्स शिफ्ट नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता है खा जाएंगे ना इसको। और आई होप कि आज का व्लॉग आपको बड़ा पसंद होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे कल, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।